रायान, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और तुम कितनी फ्रेश लग रही हो। कितनी अजीब सी बात है ना, काफी दिन घर से बाहर रहे, अकेले रहना पड़ा, शायद इसलिए चिड़चिड़े होगा। तुम तो अकेली नहीं रही ना, तन्हाई का रंज मैंने उठाया है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? अकेले होने का रंज सिर्फ तुमने उठाया? मैंने अकेले, और मैं जो यहां अकेली, वो अकेली ही तो नहीं थी तुम। तुम्हारे पास मेरे पास क्या? मेरे पास बोलो, तुम मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गए। मेरे दिल में हजार वसवसे आ रहे थे, लेकिन मैंने खुद को बहुत संभाला। हर वक्त यही सोचती रही कि मेरा रायान मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं तो भरोसा ही नहीं तोड़ सका, लेकिन तुमने मेरा यकीन ही नहीं, मुझे भी तोड़ दिया। मुस्कान, मैं जो तुम्हारा चेहरा देखता हूं ना, तुम्हारी आंखें देखता हूं, मुझे अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा नजर आता है। यह नजर आता है कि जिसे तुम इतनी मोहब्बत से देखती थी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह तुम मुझे देखा करती थी। यह नजर आता है कि वो चेहरा तुम्हें इतनी मोहब्बत से देखता था जिस तरह मैं तुम्हें देखा करता था, और ये नजर आता है कि उस चेहरे के तुम्हारे साथ पुर्बत में बिताए हुए वो लम्हात जिन पर सिर्फ मेरा हक था, सिर्फ मेरा। कौन सी शक्ल? मैं उस सावन की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं जिसके साथ तुम। किसकी बात कर रहे हो तुम? रायान, मैं तुमसे बात कर रही हूं। रायान, आर यू ओके? देखो मुस्कान, मैं सुखशीत ज़हनी दबाव में हूं, तो मुझसे शेयर करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि दर्द कभी खुद दवा नहीं बनता, नेवर। रायान, मेरी वजह से तकलीफ में क्यों है? मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ।
कौन है आप? मैं शांजे हूं। शांजे, दैट्स अ नाइस नेम। आपने अपना ठीक तरह से इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया। कौन है आप? वैसे तो कहते हैं ना कि हसीनाओं का सही इंट्रोडक्शन उनका उसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके आने की वजह जान सकता हूं? मैं सारिया की सौतेली बहन हूं। सारिया की? इसका मतलब है कि इब्राहिम अंकल ने दो शादियां कर रखी थी। जी हाँ, और मैं यहां अपनी जायदाद में से अपना हिस्सा लेने आई। I see. Well, nice to meet you. Nice to meet you. तो आप कब आई? बस अभी थोड़े दिन ही हुए। अच्छा। शांजे। मैंने तुम जैसी घटिया लड़की आज तक नहीं देखी। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। पहले इसने सलमान पर डोरे डाले, और अब तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। आंटी, हमारी सोसाइटी में हाथ मिलाना फैशन है, बेहयाई नहीं। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहां से। अम्मी जान, प्लीज मेरी बात सुने। खामोश रहो रयान। इश्फाक, इश्फाक। आरफा, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो तुम? आप इस घटिया लड़की का हिसाब करें और चलता करें इस हवेली से। रिलैक्स आरफा, हुआ क्या है? पहले मसला तो बताओ। जिस तरह कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, इस तरह कई इंसानों को इज्जत भी हजम नहीं होती। बस आप इस लड़की को घर से निकालें, नहीं तो इस हवेली से मैं चली जाऊंगी। रिलैक्स आरफा, कल सुबह कोर्ट खुलते ही मैं डॉक्यूमेंट्स बना लूंगा और इसको इसका हिस्सा दे दूंगा। अब तुम खुश हो ना? चांदे, चली जाओ यहां से, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। आंटी, मुझे आपका बिला वजह का गुस्सा समझ नहीं आता। डोंट कॉल मी आंटी। जाती हो या जान से मारूं तुम्हें। इश्फाक, तुम हवेली की झील से खजाना निकालो और इसका जो हिस्सा बनता है इसको दे और भेजो यहां से। इन जालिमों ने खजाना झील में छुपा कर रखा है। अब क्या हुआ है तुम्हें? इस कदर गुस्सा, इस कदर ऊंची आवाज और इतने गैर मुनासिब अल्फाज। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब कल ऐसा करो कि शांजे से सॉरी कर लेना। पर डैड, अभी क्यों नहीं? आज हमें महक को ढूंढने के लिए जाना है जंगल में, कैदो खोजी के पास। डैड, पर छुई मुई के जंगल में तो दरिंदे भी हैं। तुम जैसा बेटा हमारे साथ होगा तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, पर चला। एक मिनट, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। जीरो थ्री जीरो थ्री, नान के साथ हलीम फ्री। जी ओ जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैदो खोजी बोल रहा हूँ। आप कब तक पहुँचेंगे? हम बस निकल रहे हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जंगल में बरगद के कदीम दरख्त के नीचे मेरा बंदा आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको लेकर मुझ तक पहुंच जाएगा। क्यों? वहां क्यों? तुम वहां नहीं होगे क्या? नहीं, मैं जरा खुरे की तलाश में जंगल में थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मेरा बंदा जंगल के सारे रास्ते जानता है, जो आपको आसानी से मुझ तक पहुंचा देगा। अच्छा ठीक है, हम उस दरख्त के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, रास्ते में से कुछ खाने के लिए लेते आइएगा। ओ नहीं, आपके मेहमान नवाजी भी तो करनी है ना। मैं जंगल में किधर चाय वाला होटल ढूंढता फिरूंगा। तो वैसे भी मैंने उसके पहले पैसे भी देने हैं। मजाक कर रहा हूँ, आप आ जाए। ठीक है। जी जी जी। कुकड़ कुड़ू सोया क्यों है, उठ जा तू। जा रहा बोलो तारा रारा। उसी दरख्त के नीचे चले जाओ,
वहां पे ये मेहमान जैसे ही आते हैं उनको लेकर मेरे पास आ जाओ। जाओ ए मैनू फड़ा जा, तू जंगल चो दही लैन चल। सब हवेली वाले जा चुके हैं, ये बेहतरीन मौका है झील से खजाना निकालने का। कौन हो तुम? कैदो खुद ने भेजा मुझे। कैदो खुद कहाँ है? वो जंगल में डेरा है, उधर ही रहता है वो। तो जंगल में पैदल जाना पड़ेगा? मैं के लिए ये मुसीबत तो उठानी पड़ेगी यार। आओ चलते हैं। देख बुड्ढे, यही है ना वो खजाना जिसकी खातिर तूने आरफा और इश्फाक ने मेरे बाप दादा का कत्ल किया था। आंखें खोल कर देख, अब ये खजाना मेरा है और तू हाथ मलता रह गया। ये वक्त भी कितनी अजीब चीज है ना, जिस खजाने के लिए तूने गुनाह कमाया, उम्र गुजार दी, इस व्हीलचेयर पे आ गया, आज वो खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। मगर अफसोस, तू ये बात किसी को नहीं बता सकता क्योंकि मेरे बड़ों की सिसकियां और आहें तुझ पर कहर बन के टूट गई हैं। तेरे उम्र भर की चोरी और धोखे की कमाई आज तेरे हाथों से निकल गई है और अब तो उम्र भर ऐसे ही आंसू बहाता रहेगा। ले, आखिरी बार देख ले इस खजाने को। देख, यही है ना वो खजाना जिसकी खातिर तूने जुल्म का बाजार गर्म किया था। ले ले, खा ले इसको, इससे अपना पेट भर ले। मैं बुरी नहीं थी, तूने मुझे बुरा बनाया। अगर तूने ये जुर्म ना किया होता तो आज मैं अपने नाग देश में किसी नाग से शादी करके हंसी खुशी रह रही होती। लेकिन तूने तूने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरी बहन की मोहब्बत छीन ली। तूने तूने सिर्फ मेरे बाप दादा का कत्ल नहीं किया, तूने मेरी खुशियों का भी कत्ल किया है। नहीं नहीं, तुझे इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। तूने
इस खेल को मेरे बाप दादा के कत्ल से शुरू किया था और अब इसको मैं तेरे कत्ल पे खत्म करूंगी। हेलो, मैं हूं सनम जहां। मौत के फरिश्ते को फोन कर डाला। खैरियत तो है? देखो मस्तानी, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत पसंद हैं और तुम उनकी हकदार भी हो। यमी, सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी अजल से दुश्मन हूं। ये दुश्मनी मोहब्बत में बदल सकती है जब मैं तुम्हें 1 किलो सोना गिफ्ट करूंगी। कौन सा नया जाल लाई है नागिन? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आओगी। तेरा ख्याल है कि मैं तुझसे हाथ मिला लूंगी और तुझसे मिलने भी आऊंगी? ख्याल नहीं, यकीन है मुझे कि तेरी ख्वाहिश तुझे यहां तक खींच लाएगी। और मेरा नंबर तेरे पास कहां से आया? मस्तानी, ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। अब जल्दी आओ, 1 किलो सोना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रांझे मजियां चराया, आ भी जा रहे ले आए इनको। अगर तुम्हारा ये बंदा ना मिलता तो ये जगह तलाश करना तो बहुत मुश्किल काम था। हाँ भाई, ये तो कभी कभी हमें भी नहीं मिलता। लेकिन तुम तो खोजी हो ना? हाँ यार, कभी कभी खोजी भी मौजी हो जाते हैं। मतलब कि इतना घना जंगल है, हमें भी अपनी निशानियां ढूंढ कर आना पड़ता है। आए आए, जमीन पर बैठे। जमीन पर बैठने वाले को गिरने का डर नहीं रहता। आ जाए आ जाए।
हाँ, कुछ पता चला महक का? ये तो महक है, तुम्हारी बेटी की। हाँ, मेरी बेटी महक, उसकी जूती है। हाँ मैं जाना, ये जूती तो मुस्कान ने महक को गिफ्ट दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। आतशी अज तहे के रास्ते से, मेरा ख्याल है कि महक ने बहुत चलाकी के साथ हमें रास्ता बताने के लिए अपनी चीजें निशानी के तौर पर फेंकी हैं। ये कौन है? ये रायान है, मेरा इकलौता बेटा, जो कुछ अरसा पहले लापता हो गया था। अच्छा, तो उसने तुझे जिंदा छोड़ दिया? मैं कुछ समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हो? उसकी, जिस खबीस ने तुझे कैद कर रखा है। रायान बेटा, तुम्हें किसने कैद किया था? अगर तुमने कभी भी हमारी हकीकत किसी को बताने की कोशिश की तो उस फैमिली समय तुम कत्ल कर दिए जाओ। ये कैदो खोजी क्या कह रहा है? तुम्हें किसने कैद किया था? बोलो, किसने कैद किया था तुम्हें? कोई बात नहीं है डैड, मुझे लगता है कैदो खोजी को कोई गलत फहमी हुई। रायान, तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं डैड, मैं परेशान नहीं। खैर छोड़ो, हमें शाम तक शेरू का इंतजार करना होगा। शेरू? मगर अभी तो शाम होने में 5-6 घंटे हैं। इससे आगे हमें शेरू ही लेके जा सकता है, क्योंकि ये जंगल आतशी अजदहे की गुजरगाह है और उसकी नजरों से हमें सिर्फ शेरू ही बचा सकता है। ये वक्त कैसे गुजरेगा? और मेरी तो केबल कट गई, वरना मैं आपको पंजाबी फिल्म लगा देता। कैदो सयाना आदमी है, इसी से कोई बात करते हैं, कोई बात ही सुनाओ। हाँ आरफा बीबी, इंसान का रिस्क, गम, खुशी का ताल्लुक उसके अमल के साथ है। अगर इंसान इंसान के लिए आसानियां पैदा करनी शुरू कर दे तो उसको भी आसानियां नसीब होती है, और अगर किसी ने मुश्किलें पैदा की हो तो फिर उसको भी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, बल्कि उसकी औलाद को भुगतना पड़ेगा। लेकिन कह दो, मेरे बुरे की सजा मेरी औलाद को क्यों मिलेगी? गलती मैंने की है, मेरे बच्चों ने नहीं की। यही उसकी मर्जी है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। हमारे बुरे कामों की सजा हमें मिलनी चाहिए, हमारी औलाद को नहीं। औलाद तकलीफ में हो तो अजियत बढ़ जाती है, यही उसका कानून है। आपने वो सुना नहीं कि गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए हैं कि बीज बबोल के बोने वाला खाए कहां से आम।
हाय कहां से आऊं। बहुत खूब, बहुत आला बात कही तुमने। हाँ शफाक मियां, अच्छों के साथ तो सभी रह लेते हैं, अरे बात तो तब है ना अगर बुरों के साथ रहा जाए। कभी हमें भी आंख भर के देख लिया करो दिलबर। जो पूछा उसका जवाब दो। अब इतनी भी क्या बेरुखी दिलबर, क्या इतने बुरे हैं हम? बुरी तुम नहीं, तुम्हारी सोच है। बिला वजह गले पड़ने की जरूरत नहीं। मैं मुस्कान को खुद हवेली में देख लेता हूं। मुस्कान हवेली में नहीं है। तो कहां है मुस्कान? मालूम नहीं, हवेली वालों के निकलते ही वो भी निकल गई, और हो सकता है अपने किसी आशना से मिलने गई हो। जैसा तुम सोच रही हो शांजे, मुस्कान ऐसी बिल्कुल नहीं। कह दो शाम होने वाली है और शेरू अभी तक नहीं आया, क्या करें अब? मेरा ख्याल अब वो आएगा भी नहीं, क्योंकि जंगल में उसे और भी बहुत से काम होते हैं। शेर और हाथियों को रात के खाने का सामान वगैरह ला कर देता है, हांडी रोटी करवानी होती है। आप लोग ऐसा करें कि आप जाएं और कल आइएगा, कल उसी दरख्त के नीचे मेरा बंदा आपका इंतजार करेगा और वो तुम्हें लेकर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। चलो आप। ठीक है, कह दो। रेहान, आ क्या देखो, बोलो। जो कुछ तुम्हारे अंदर चल रहा है अपने घर वालों के साथ शेयर कर लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। ये कह दो खोजी क्या कह रहा है? रेहान कहां फंस गया था? कौन थे वो लोग? मुझे मालूम करना होगा। रांझे मजिया चराया डोली ले गए ने खेड़ वे लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवे।
आओ मस्तानी, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। बोलो क्या बात है मस्तानी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सलाश में तकबर बहुत ज्यादा भरा हुआ है? मतलब ये सोना तुम्हारा हो सकता है, चाहे तुम मेरी बात मानो या ना मानो। सनम जा, पूरी बात बोलो। मतलब तुम्हें कितना टाइम हो गया है सलाश के साथ काम करते हुए? बदले में क्या मिला? हर वक्त की बेइज्जती, बिला वजह की रोक टोक, आखिर तुम्हारी भी तो कोई इज्जत है ना? बात तो तुम्हारी ठीक है, सलाज हर बात पर मुझे डांटता है। मस्तानी, क्या सल्तनत नेवलिया के तख्त पर सिर्फ सलाज का हक है? तुम्हारा हक भी तो हो सकता है। और उसके लिए करना क्या होगा? बस तुम्हें सावन और सलाज के दरमियान रंजिश पैदा करनी है, और मौका मिलते ही मैं सलाज को खत्म कर दूंगी। और अगर सलाज को इस बात का पता चला तो हम दोनों अपनी जान गंवा सकते हैं। मस्तानी, नेवलिया सल्तनत के तख्त की हकदार सिर्फ तुम हो।